नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। विजयदशमी के दिन खुला रावण मंदिर का कपाट, हुई पूजा अर्चना, लगे जयकारे। कानपुर में आज दशहरे में सबसे पहले रावण के मंदिर के पट खुले और फिर रावण की मूर्ति की पूजा आरती कर विजयदशमी का पर्व मनाया गया। विजयदशमी का त्यौहार में वैसे तो पूरे देश में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन कानपुर में आज दशहरे में सबसे पहले रावण के मंदिर के पट खुलते हैं और वहाँ स्थापित रावण की मूर्ति की पूजा आरती कर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन यहाँ पर रावण की पूजा भगवान के रूप में करने वालों की भीड़ जुटती है। पूरे देश में विजयदशमी में रावण का प्रतीक रूप में वध कर उसका पुतला जलाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में एक ऐसी जगह है जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहां पूजा करने के लिए रावण का मंदिर भी मौजूद है जो केवल वर्ष में एक दिन के लिए दशहरे के मौके पर खोला जाता है और रावण जलने से पहले मंदिर को बंद कर दिया जाता है। शिवाला में है मंदिर। कानपुर जिले के बीचों बीच कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शिवाला मोहल्ले में यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराने कैलाश मंदिर परिसर में है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि विजयदशमी के दिन इस मंदिर में पूरे विधि विधान से रावण का दुग्ध स्नान और अभिषेक कर श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद पूजन के साथ रावण की स्तुति कर आरती की गई है। पूजा अर्चना के बाद मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। पुजारी ने कहा कि रावण ब्राह्मण के साथ विद्वान थे और वो भगवान शंकर के भक्त थे, इसलिए उनकी पूजा साल में एक बार की जाती है। यह मंदिर 1868 में स्थापित हुआ था। इस मंदिर में महिलाएं तरोई के फूल चढ़ाती हैं। इसके पीछे मान्यता है कि इससे अपने पति की आयु लंबी होती है। वहीं मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु अभिषेक मिश्रा, अनुराग त्रिपाठी, मोहित अरुण ने बताया कि रावण एक महान ब्राह्मण थे, उनकी पूजा से ज्ञान वृद्धि होती है। उनके मंदिर में शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, शुद्ध खोए की मिठाई चढ़ाई जाती है, जिससे वह प्रसन्न होकर भक्तों की हर इच्छाएं पूर्ण करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।